दोस्तों, सनी देओल की अपकमिंग मूवीज़ गदर 2 को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो लड़ाई हो रही है उसके तो कहने के आते कि सनी देओल की गदर 2 मूवी को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहाँ के लोग इस मूवी को बैन करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह मूवी पाकिस्तान में भी रिलीज होने वाली है, जिस कारण से सनी देओल बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे तो गदर 2 मूवी का ये दूसरा पार्ट है। बताया जा रहा है कि गदर 2 मूवी में फुल एक्शन के साथ और फुल धमाकेदार मूवी होने वाली है। और बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 500 से 600 करोड़ होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस मूवी में गदर 1 से भी ज़्यादा बेहतरीन डायलॉग है। और गदर 2 के डायरेक्टर ने हाल ही में कहा कि है किसी भी हालत में हम अपनी मूवी को पीछे नहीं हटेंगे। यानी गदर 2 मूवी का क्लैश होने वाला है एनिमल मूवी के साथ, जो कि रणवीर कपूर की है। क्या एनिमल मूवी रणवीर कपूर की टिक पाएगी गदर 2 के सामने? चाहे गदर 2 मूवी पाकिस्तान में रिलीज हो या ना हो, लेकिन गदर 2 मूवी का सामना एनिमल नहीं कर पाएगी, क्योंकि गदर 2 मूवी एक ऐसी मूवी है जिसे पूरे भारत को इंतज़ार है। और वैसे भी मोदी जी लगे हुए हैं गदर 2 को पाकिस्तान में रिलीज करवाने के लिए, जिस वजह से ये तो पक्का है कि यह मूवी 5000 करोड़ से कम का कलेक्शन नहीं करने वाली। और सनी देओल मोदी जी के बयान पर बहुत ही खुश नज़र आए हैं। और आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय कमेंट में बताएं, और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।